दोस्तों, अगर आप एक एयरटेल पेमेंट बैंक के रिटेलर हैं तो जितने भी सर्विस दी गई है एयरटेल पेमेंट बैंक यानी कि मित्रा एप्लीकेशन में, ये सारे सर्विस में किस प्रकार से आपको काम करनी है और किस सर्विस में कितना का कमीशन यहाँ पे दिया जाता है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और साथ ही दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो सर्विस है यानी कि जिसमें हमें ज़्यादा कमीशन भी दिया जाता है, वो कौन सी सर्विस है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों पीडीएफ आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, एयरटेल पेमेंट बैंक का जो रिटेलर कमीशन दिया गया है वो 2024 का यहाँ पे कमीशन का लिस्ट दिया गया है। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सेविंग बैंक अकाउंट पे जो दिया जा रहा है कमीशन, वो कुल मिलाकर के अगर आप सुरक्षा अकाउंट ओपन करते हैं तो 65 रुपये का यहाँ पे आपको कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विस है वो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कैश डिपॉजिट वाला, ये जो है लगभग सारे रिटेलर भाई इसका उपयोग कर रहे होंगे कि जो रिटेलर भाई हैं उन्हें जो है कैश मिल जाता है, जो कि उन्हें कहीं से जा करके निकासी नहीं करना होता, जो कि वही कैश अमाउंट क्या करते हैं वापस से EPS के रूप में यूज कर पाते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कैश डिपॉजिट जो दिया गया है ऑप्शन, ये दोस्तों लगभग सारे रिटेलर भाई इसका उपयोग कर रहे होंगे क्योंकि कैश डिपॉजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है। अगर मान लीजिए कोई ग्राहक आपके यहाँ आते हैं पैसा जमा कराने के लिए, तो बहुत ही आसानी से आप जो है उनके मोबाइल नंबर से आप जमा कर पाते हैं। इसमें बेनिफिट ये हो जाता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप EPS का काम करते हैं पैसा निकासी का, और जो पैसा आप निकासी करते हैं वो क्या होता है कि आपके अकाउंट में सेटल होता है, लेकिन उस समय ग्राहक को कैश के रूप में देना होता है, जो कि कैश डिपॉजिट अगर आप करते हैं तो आपको कैश रिसीव हो जाता है, जो कि आप EPS के रूप में वो अमाउंट यूज कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कैश डिपॉजिट करने पे भी आपको यहाँ पे कमीशन दिया जा रहा है, जो कि 0.10% के रूप में आपको कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कैश विड्रॉल पे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, टोटल 0.08% आपको कमीशन के रूप में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बहुत ही कम आपको कमीशन मिलेगा, लेकिन यहीं पे अगर हम EPS की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। लेकिन अगर कोई एयरटेल पेमेंट बैंक का ग्राहक है और वो कैश विड्रॉ कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कम कमीशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों रेमिटेंस की अगर बात करें, जो कि ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 10 रुपये से लेकर के अगर आप 25,000 तक का ट्रांसफ़र करते हैं तो मिनिमम बेस कमीशन जो आपको दिया जाता है वो कुल मिलाकर के जितने भी अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया उसका मात्र 0.45% आपको कमीशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टू व्हीलर इंश्योरेंस का अगर बात करें तो कंप्रिहेंसिव अगर टू व्हीलर का करते हैं तो 15% का कमीशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा थर्ड पार्टी टू व्हीलर का अगर आप करते हैं इंश्योरेंस तो यहाँ पे आपको 15 रुपया पर पॉलिसी पे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे DBT की बात करें, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं DBT स्कीम कंस्ट्रक्ट फॉर ओनली रिटेलर्स पैन इंडिया रिटेलर्स, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है कुल मिलाकर के अगर आप जिस भी ग्राहक का अकाउंट ओपन करते हैं तो उस समय अगर आप DBT को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि DBT करा देते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक को, तो आपको जो है 15 रुपया DBT सक्सेसफुल लिंकिंग करने का आपको जो है 15 रुपया ऊपर से कमीशन के रूप में आपको मिलेगा। इसके अलावा इंस्टा डेबिट कार्ड यहाँ पे देख पा रहे हैं 40 रुपया पर कार्ड ऑन सक्सेसफुल इश्यूएंस टू कस्टमर, यानी कि सक्सेसफुल अगर हो जाता है डेबिट कार्ड के लिए तो आपको जो है 40 रुपये का कमीशन इंस्टेंट जो है आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों रेफर फॉर लोन के लिए देख पा रहे हैं पर्सनल लोन, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये जो दिया गया है खास करके ये बेनिफिट जैसा कि लोन वाला, ये दोस्तों सभी ग्राहकों को यहाँ पे डिसबर्स नहीं हो पाता। हाँ, अगर हो जाता है तो कैसी के तरफ से, कैसी एक जो है फाइनेंसर है, जिस प्रकार से L&T या फिर बजाज फाइनेंस होता है, ठीक इसी प्रकार से कैसी भी एक फाइनेंसर है और ये जो है अमाउंट जो है देता है, जो कि आपको, और ये जो है लोन प्रोवाइड करता है, जो कि आपको 1.5% का कमीशन देगा जो लोन अमाउंट होगा उस पर। अगर मान लीजिए 10,000 का लोन अमाउंट है तो 10,000 का जो 1.5% कमीशन निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्राइम का सब्सक्रिप्शन दिया गया है, अगर आप प्राइम सब्सक्रिप्शन बने हुए हैं तो यहाँ पे आप देख लें चार्ट के हिसाब से सिल्वर को कितना दिया जाता है, गोल्ड कितना और प्लेटिनम को कितना यहाँ पे कमीशन के रूप में मिलता है। साथ ही यूटिलिटी पेमेंट भी आप देख पा रहे हैं, साथ में कैश ड्रॉप का भी ऑप्शन देख पा रहे हैं। कैश ड्रॉप दोस्तों बहुत ही यूजफुल है, जैसा कि कैश डिपॉजिट यूज होता है, ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि कैश ड्रॉप का भी यूज कर पाते हैं। कैश डिपॉजिट में क्या होता है कि जो सामने वाले ग्राहक होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक, उनके अकाउंट में हम लोग पैसा डालते हैं, लेकिन कैश ड्रॉप क्या होता है कि किसी फाइनेंसर का, जैसे कि मान लीजिए L&T से हमने कोई लोन ले रखा है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं L&T फाइनेंसर यहाँ पे ऐड है, अगर हमें इंस्टॉलमेंट को पे करना है तो यहाँ से भी हम कैश ड्रॉप के मदद से पे कर सकते हैं।
और पे करने का यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.10 यानी कि कुल मिलाकर के 0.10% यहाँ पे कमीशन के रूप में भी दिया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। साथ ही अगर ये सब फाइनेंसर आ रहा है तो यहाँ पे 0.12% आपको कमीशन दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे भारत बिल पेमेंट सिस्टम जो देख पा रहे हैं, जैसे कि LPG गैस रिचार्ज वगैरह पे कितना का कमीशन आपको मिलेगा, वो चीज़ें यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं अटल पेंशन योजना, अगर मान लीजिए मंथली प्रीमियम किसी भी व्यक्ति का अगर आप अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन करते हैं तो मंथली प्रीमियम अगर उनका लेस देन 100 है यानी कि 100 से नीचे है तो आपको जो है 20 रुपये का कमीशन मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर देख पा रहे हैं मंथली प्रीमियम 100 के बराबर या फिर 100 से ऊपर, जैसे कि 200 तक यहाँ पे देख पा रहे हैं, और 200 से नीचे कुल मिलाकर के 100 से लेकर के 200 के बीच का अगर ट्रांजेक्शन होता है तो 40 रुपये आपको मिलेगा। साथ ही मंथली प्रीमियम की अगर बात करें 200 से ग्रेटर देन हो जाता है तो 50 रुपया मिलेगा। और साथ ही अगर क्वार्टरली प्रीमियम पॉलिसी अगर आप जनरेट करते हैं तो 60 रुपया मिलेगा। साथ ही हाफ ईयरली प्रीमियम के लिए 60 रुपया कमीशन के तौर पर आपको दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक डाउट सभी रिटेलर भाइयों को बना हुआ होता है कि भाई एक बात बता दो, अगर हम किसी भी ग्राहक का अटल पेंशन अकाउंट ओपन करते हैं तो जो अटल पेंशन अकाउंट ओपन करते हैं क्या उसका वन टाइम ही आपको कमीशन मिलता है, या फिर महीने महीने जिस प्रकार से उनका अमाउंट डिडक्ट होगा क्या उस प्रकार से यहाँ पे पैसा कटना है और मेरे अकाउंट में आना है? लेकिन ऐसा दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी ग्राहक का अगर आप अटल पेंशन अकाउंट ओपन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जिस समय ओपन करते हैं उसी समय आपको 20 रुपये या 40 रुपये जो भी आप करते हैं उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बार बार आपको कमीशन के रूप में दिया जाएगा। तो जितने भी आप अकाउंट ओपन करेंगे सभी अकाउंट में आपको स्टार्टिंग में वन टाइम कुछ जो है यहाँ पे कमीशन के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों गोल्ड लोन दिया गया है मैनुअल, जो कि यहाँ पे अगर आप डिसबर्स करते हैं तो 0.4% अमाउंट आपको जो है कमीशन के तौर पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे जो है जो लोन प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पे फाइनेंसर दी गई है, आप देख लें। इसके अलावा DTH रिचार्ज पे कितना का कमीशन मिलेगा वो देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कमीशन का स्ट्रक्चर दिया गया है। साथ ही MATM से अगर आप निकासी करते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है। साथ ही प्रीपेड रिचार्ज का भी कमीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिज़नेस में चलने वाला चीज़ है वो तो रिचार्ज है, पहला ये पॉइंट रहा रिचार्ज करने वाला बिज़नेस। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगला जो ऑप्शन है आपके लिए वो है कैश ड्रॉप वाला, जो कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कैश ड्रॉप, यानी कि आप जो है किसी भी फाइनेंसर को पेमेंट कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं और कैश आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कमीशन भी आपको मिल ही जाता है देखने को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और सर्विस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे टू व्हीलर इंश्योरेंस, यहाँ पे अगर आप कंप्रिहेंसिव टू व्हीलर अगर आप करते हैं इंश्योरेंस तो 15% का कमीशन आपको दिया जाएगा। तो ये बहुत ही लाजवाब जो है सर्विस है एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो इसका उपयोग ज़रूर करिए।